छोड़ दे यार उसको यार, छोड़ निकाल जो थैले में थे वो, इसे निकाल। बढ़िया हुआ। देखो तो इसमें वीवी लगी हुई है, ये सारी है फिलामेंट बार, और ये इतना लंबा जाल है जो कि यहाँ पर ओवर हियर दे यूज्ड इट ओवर हियर। फाइनली हमने इसकी जान तो बचा ली। यहाँ जो आप जंगल देख रहे हो मेरे पूरे पीछे जंगल है दूर दूर तक, तो ये जो जंगल है यहाँ पर बहुत सारे शिकारी आते हैं और वो ऐसे बेचारे प्यारे प्यारे सांपों को लेकर जाते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। या तो ये काला जादू के लिए बिकते हैं या ये बिकते हैं सपेरों के लिए। अगर शिकारी ज्यादा होते और हम लोग कम होते तो वो लोग हम पे भारी पड़ते, और आपको पता ही है क्योंकि जैसे ही आप छीनो और वो भाग जाए फिर उसके बाद मैं कहाँ पुलिस को फोन करूँ, क्या वन विभाग को फोन करूँ। और ये इतना गहरा जंगल है, ये बहुत अच्छा जंगल है, यहाँ पर तीतर भी शिकार होते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे इंडियन जैकल जिसे हम सियार बोलते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमने इनको देख लिया, पर बहुत सारे ऐसे भी शिकारी होते होंगे जो कि इनको सक्सेसफुली लेकर जाते हैं। लोग आते हैं यहाँ पर मछली पकड़ने, वो दिखाते हैं कि वो मछुआरे हैं, पर असल में उनके कट्टों में और उनके बैग्स में ऐसे जीव घुसे हुए होते हैं। यहाँ पर सियार का शिकार बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है आजकल। तो ये जो जगह है, इस जगह में गांव में आसपास डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, तो लेबर्स आते हैं दूर दूर स्टेट से, तो वो यहाँ पर सस्ता खाना सस्ता चिकन चाहिए होता है उन्हें, तो उस वजह से यहाँ पर वो मछली पकड़ने आते हैं। साथ साथ में वो तीतर का भी शिकार करते हैं, जैकल का भी, और ये तो है ही बेचारे। ये अच्छी बात है कि हमें ये मिल गया बेचारा, हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे अभी। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस सिचुएशन, और समझ में ही नहीं आता है लिटरली कि हम क्या करें। जो जिन लोगों को हम सिखाते हैं सब कुछ करते हैं, बट एवरीबडी कैन नॉट डू दिस। हम जंगल में कब तक आहाकर रहेंगे? दिस इज हिंडन रिवर एरिया, और यहाँ पर वन विभाग के साथ भी मैंने खूब बातें करी हैं, पर उन्होंने भी मुझे यही बोला कि देयर शॉर्टेज एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर दिस एरिया। तो बड़ी वैसे बुरे से सीन है। ब्यूटीफुल, वहाँ पे आप देखोगे तो पेंटेड स्टॉर्क मतलब दिख तो नहीं रहे हैं, बहुत दूर है। और वहाँ पर एक पॉन्ड है, एक छोटा सा बीच में पानी इकट्ठा हुआ हुआ है जहाँ पर कितने ही सारे पेंटेड स्टॉर्क हैं। क्योंकि ये जगह यूपी में आती है इसी वजह से यहाँ पर भी सारस आपको देखने के लिए काफ़ी मिलेंगे। रेड सारस क्रेन, वो अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अगर उनका कोई पार्टनर मर जाता है तो दूसरा पार्टनर डिप्रेशन में अपनी जान दे देता है। एंड दिस इज़ वेरी, आई नो दिस इज़ वेरी सैड टू हियर, बट यस दिस इज़ ब्यूटिफुल ऑल्सो। एंड हियर वी आर, कहाँ है क्या? बढ़िया हुआ। देखो जी इसमें वीवी लगी हुई है, ये सारी है फिलामेंट बार्ब, और ये इतना लंबा जाल है जो कि यहाँ पर ओवर हियर दे यूज्ड इट ओवर हियर। एंड दिस इज द गाय, इज द सेम गाय, दे आल्सो कैच द वाइल्ड लाइफ फ्रॉम हियर। बहुत सारी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वगैरह मिलती है, एंड दीज गाइज दे डू दैट आल्सो। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। जब भी हमें जंगल का सांप मिलता है ना तो वो सूखा दुबला सा होता है। शहरों में मिलते हैं जो सांप वो मोटे होते हैं क्योंकि उनको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर इनको भागना होता है, इस वजह से ये पतला सा है। मैं जहाँ पर बैठा हूँ इसके पीछे बहुत अच्छा सा एक पहाड़ टाइप बना हुआ है जहाँ पर मैं इसको रिलीज करूँगा, एंड इट्स गुड। आई होप ये दोबारा ना पकड़ा जाए, ये यहीं से पकड़ा गया होगा, यहीं कहीं आसपास से। आई होप चला जाए अपनी जगह पे वापस, एंड इट्स गुड। जाओ जनरली रेड सैंड बोआज ऐसे ही मिट्टी में रहते हैं अंदर, और वो रेयरली बाहर आते हैं, वो बहुत रेयरली बाहर आते हैं। अगर अब मैं भी चाहूँ इसको ढूंढना तो मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, ये इतना ज़्यादा अंदर ऐसे झाड़ियों में घुसा है यहाँ पर। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी दिस,
यहाँ पर बहुत सारे पक्षी अभी माइग्रेशन पर आना शुरू हो गए हैं। जो जो राजस्थान में जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं और वो कम हो रहे हैं, वही रीजन से यहाँ का जंगल भी इफेक्ट हो रहा है। ये जितने टावर्स हैं, पास में एक रिवर है जो कि बहुत बड़ी है और उसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है। यहाँ पे तेंदुआ भी सेफ नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। बहुत सारी परेशानियां हैं, बट इट्स ओके, लेट्स यही से बोलते हैं। अबे यार हटो ना, चप्पल बोल सुने भाई, ये खाता है छिपकली, छिपकली होती ना घर में। पर मैं जैसे ही इसको, ये मेरे पास आई थी, मैंने इसको एक मेडिसिनल बाथ दिया था। और आई मीन हर एक जान की एक कीमत होती है, एंड दिस इज हाउ दे पी। ओके, तो जिन लोगों को लगता था कि ये मुंह से करते हैं ना, वो देख सकते हैं, है ना। My girl is fresh now. I'm sorry अगर आप लोगों को disgusting लगा हो, पर इसको अब और fruits चाहिए तो ये मैडम मेरे पास आ रही हैं। हाँ हाँ हाँ, देखो हाथ फैलाते हुए आप देख सकते हो अब इसकी जो स्किन है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी पूरी स्किन फटी हुई थी दो तीन जगह से। अभी निशान होंगे, निशान तो नहीं है। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। ओए चलिए हम इसके लिए सेब लाते हैं, फिर इससे बात करेंगे। ये लो। अच्छा अच्छा, पूरी लड़ाइयाँ कर लेती है ये। इसको जब हाथ बहुत ज़्यादा छिला हुआ था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा कपड़ा वगैरह भी लगा दिया था ताकि इसका हाथ ज़्यादा ना छिले इधर से उधर चलते हुए। और मेरा कौवा बिल्कुल हियाज गॉन इनसेन, वो पीछे इधर से उधर उड़ इधर है। तो अभी ये एकदम अच्छी हो गई है, ये पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसको। अब आप देख सकते हो इसका हाथ भी जो है वो पूरा हील हो गया है, बस उस हल्की सी रेडनेस है जो कि चली जाएगी बहुत जल्दी। ये मुझ पर ट्रस्ट करती है, पर हाँ इससे ज़्यादा, बस मैं इससे ज़्यादा प्यार नहीं करता, ना मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ओह ये ऐसे हाथ में थूक देती है बहुत सारा। ये क्या करती है, इसका जूस जो है वो ऐसे मुंह में चबाती है उसको, और उसके बाद उसको थूक देती है, है ना, है ना। हाँ। अच्छा आप मुड़े क्यों जा रहे हो बैटमैन? हाँ। भाई साहब हैं जिनको अभी रेस्क्यू किया था, थैंक यू सो मच यूपी पुलिस फॉर हेल्पिंग एंड सेविंग दिस लिटिल गाय। इसको हम वुल्फ स्नेक बोलते हैं और ये घरों में होते हैं यूजुअली, छिपकलियां खाते हैं। अभी थोड़ा सा शाम का टाइम है, ठंड है अभी, तो इस वजह से ये शांत है। इसको कल मैं दिन में छोड़ दूंगा। और ये सिर्फ छिपकलियां खाते हैं, दे आर नॉन वेनेमस, इनमें जहर नहीं होता। प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज देम विद क्रेट्स, क्रेट ब्लैक कलर के होते हैं और इनसे बहुत अलग डिफरेंट शेप होती है उनके सर की। एंड इट्स क्वाइट गुड, आई लाइक देम, आई लव देम। इसको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, इसकी थोड़ी सी चोट है, इस पर बिटाडीन भी लगाएंगे, शायद किसी ने मारा होगा इसको, तो इस पर अभी चोट पे दवाई लगाएंगे, इसको दो दिन रखेंगे, फिर इसको रिलीज कर देंगे।